नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नया वीडियो में। हमारा पावर टिलर का एयर फिल्टर जो है टूट गया है, इसको वेल्डिंग करवाना है तो उसको खोलना पड़ेगा। इसको वेल्डिंग नहीं करेंगे तो पानी वानी घुस के ख़राब कर सकता है। एयर फिल्टर को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं कर सकते, इसको गैस वेल्डिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे वाले में जो ऑयल रहता है उसको खोलते हैं। एयर फिल्टर और ये वाला अटैचमेंट जो है एक साथ ले जाएंगे वेल्डिंग करने के लिए। जुताई करते टाइम उसमें पैर रखा तो पैर के नीचे लग गया। गैस वेल्डिंग का दुकान बंद है, वही 4 बजे खुलेगा। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद जो है एयर फिल्टर को गैस वेल्डिंग करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका नीचे जो है टायर काट के लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जुताई करते टाइम में मिट्टी को साथ लेके चलता है तो पावर टिलर को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है। अभी शाम हो चुका है दोस्तों और काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी घर जाके दूसरे गांव लेके जाना है पावर टिलर को, क्योंकि वहां पे भी धान का खेती करते हैं। अभी रास्ते में है दोस्तों और यहां से लगभग 3 किलोमीटर है, आधा घंटा से ऊपर लेके जाएगा। सोच रहा हूं कि ऐसे जाना आना लगा रहता है तो स्पीड लगवा लूँ। एक कंपनी है जो पावर टिलर अटैचमेंट बनाता है, तो उनसे बात किया था, 6,000 रुपया बोल रहा था वो, सिर्फ रोड में आने जाने के लिए लगाएंगे, खेत में जुताई के लिए नहीं। जुताई करते टाइम उसको निकाल लेंगे। मेरे पैर में चोट लगने से जुताई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक ड्राइवर को बोला हूँ कि वो आके जुताई करेगा। अभी पहुंच गया हूं दोस्तों और गाड़ी यहां पे रख के घर चला जाऊंगा। अभी जो है ड्राइवर जुताई कर रहा है।
जुताई अभी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।